वुमेन हेल्थ टीवी और डॉक्टर समी अख्तर की तरफ से एक नए एपिसोड में आपको खुश आमदीद। जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करूंगा, और वो मौजू है शुगर यानी डायबिटीज़ और हमल। चंद एक बातें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो शुगर का मर्ज सारी दुनिया में ही बढ़ता जा रहा है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अहम ये है कि शुगर का डेवलप होना या शुगर का ज़्यादा होना हमल के दौरान, हमल के लिए और पैदा होने वाले बच्चे के लिए बहुत सी पेचीदगियाँ जन्म देता है। तो चंद एक चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। अगर आप पहले से शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, चाहे उसके लिए कोई भी दवाई ले रही हैं, टैबलेट्स लेती हैं या इंसुलिन के ऊपर हैं, या सिर्फ डाइट से और वर्जिश से कंट्रोल करती हैं, इस सारी सूरत हाल में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगले हमल से पहले अपने डॉक्टर को यानी गायनेकोलॉजिस्ट और शुगर के डॉक्टर को ज़रूर जाके दिखाएं, ताकि जब आपका नया हमल शुरू हो तो आपके शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो, ताकि बच्चे के ऊपर कोई असर ना हो। चंद एक चीज़ें और हैं जो याद रखने वाली हैं। अगर पिछले हमल में आपको शुगर हुई हो, जिसको हम गेस्टेशनल यानी हमल की शुगर कहते हैं, कि हमल से पहले आप ठीक थी, हमल के दौरान शुगर हुई और फिर हमल के बाद डिलीवरी के बाद फिर ठीक हो गई, तो इस सूरत में भी अगले हमल से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर पिछले हमल में कुछ ऐसी पेचीदगियाँ थीं, जैसे बच्चे के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा था, या खुदा ना खास्ता बच्चा फौत हो गया पेट के अंदर, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको अगले हमल से पहले अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। इसी तरह अगर आपकी फैमिली में आपके करीबी यानी बहन भाई माँ बाप में से किसी को शुगर का मर्ज है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए, ताकि हमल के दौरान कुछ ऐसे टेस्ट हो सकें ताकि इस शुगर की बीमारी से बचा जा सके और अगर है तो उसका इलाज हो सके। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो शुगर है वो हमल के ऊपर बहुत सारे असरात करती है, और हमल जो है वो शुगर के ऊपर भी असर करके उसको मज़ीद ख़राब करता है। तो अब हमें कैसे पता चलता है, एक मरीज़ को कैसे पता चले ये जो मैंने सारी सूरत हाल आपको बताई, अगर इसमें से कोई चीज़ भी ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि शुगर जो है वो हमल के दौरान डेवलप हो रही है। उसके लिए चंद चीज़ें हैं जो आपका अल्ट्रासाउंड बता सकता है, जो आपकी हिस्ट्री बता सकती है, जो आपके पिछले हमल की जैसे तफसील है वो बता सकती है, और उसके साथ फिर कुछ टेस्ट हैं ब्लड के, खून के टेस्ट जो हमल के दौरान किए जाते हैं। उसमें से एक टेस्ट है जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, शुगर का बड़ा टेस्ट। इसमें आप रात को 12 बजे के बाद खाना पीना बंद कर देते हैं और सुबह नाश्ते से पहले 8 बजे के करीब आप जाके लेबोरेटरी एक टेस्ट देते हैं, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। फिर आपको वो 75 ग्राम्स पीने के लिए ग्लूकोज या ग्लैक्सोज देते हैं, और उसके बाद फिर एक घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद आपके रिपीट ब्लड सैंपल ले लेते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ आती हैं उनकी बेस पे आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि नहीं, आपको शुगर बिल्कुल नहीं है, या कि हाँ आपको शुगर है और उसको फौरन इलाज की ज़रूरत है, या इन दोनों के दरमियान की एक कैफियत है जिसमें कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, कि शुगर ना शुगर की बीमारी होने की हद तक बढ़ी हुई है और ना ही नॉर्मल है, तो दरमियान में है, उसका भी हमल में इलाज करना बहुत ज़रूरी है।
सो आपकी, आपके डॉक्टर की और लेबोरेटरी के दरमियान ये बड़ी अच्छी कोऑपरेशन होनी चाहिए और बड़ी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि हर टेस्ट टाइम पे हो सके और फिर उसको हम आगे लेके चल सकें। अगर शुगर डिटेक्ट होती है तो कोशिश ये की जाती है कि पहले अगर सिर्फ माइल्ड सी तब्दीलियां हैं शुगर में तो डाइट के ज़रिए कंट्रोल हो जाए। पुराने ज़माने में जो गोलियां होती थी शुगर कंट्रोल करने की, जैसे ग्लूकोफेज है, वो इतना इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन इन गोलियों का दिन ब दिन अब इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अगर इन दो चीज़ों से भी कंट्रोल ना हो, या अगर आपका डॉक्टर समझे कि आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इंसुलिन दी जाए, तो आप फिर इंसुलिन शुरू करते हैं। अब ये ऐसा इलाज है कि जिसके डे बाय डे बहुत, यानी रोज़ाना के लेवल पे, सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले खाने के बाद शुगर के लेवल का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो इंसुलिन या जो भी दवाई है उसकी डोज़ को अच्छे तरीके से लेके चला जाए, ताकि ना शुगर बहुत हाई हो और ना शुगर लो हो। जिस तरह हमल में हाई शुगर ख़तरनाक है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक एकदम शुगर का लो हो जाना है। तो इस बारे में भी आपको बहुत ख्याल करना पड़ेगा। आपका डॉक्टर आपको जब भी आप इंसुलिन लें या कोई भी इलाज लें शुगर का, उसकी जो भी पेचीदगियाँ हैं उसके बारे में तफसील से बताएगा। आपके पास एक फ़ोन नंबर भी होना चाहिए जो आपके डॉक्टर के क्लिनिक का हो, कि कोई भी लेवल ऐसा आ जाए आपके शुगर का कि जो लगे बहुत ज़्यादा है या कम हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के क्लिनिक को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकें। ये तो हो गया शुगर का कंट्रोल। हमल का जहाँ तक ताल्लुक है, ऐसे हमल को जिसमें शुगर हो, हम बहुत एहतियात से आगे लेके चलते हैं। हमने हर वो चीज़ चेक करनी है जिस पे शुगर का असर हो सकता है। आपकी आईसाइट है, आपके गुर्दे के काम करने की सलाहियत है, आपके दिल पे कोई मसला ना हो, और साथ साथ आपका जो जिस्म है उसमें कहीं भी लाइक यूरिन की, पेशाब की, कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन डेवलप ना हो। जहाँ तक बच्चे का ताल्लुक है, उसका रेगुलर हम अल्ट्रासाउंड करके और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा बिल्कुल सही ग्रो कर रहा है या नहीं, कहीं उसकी ग्रोथ ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा ग्रोथ है तो इसका मतलब कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। बच्चे को ज़्यादा शुगर मिल रही है तो उसकी ग्रोथ एक आम बच्चे से ज़्यादा है, इसको मैक्रोसोमिया कहते हैं। इसके लिए हर कुछ अरसे के बाद अल्ट्रासाउंड का होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ बच्चे के मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा के साइज़ को लेके उनके नॉर्मल रेंज के जो ग्राफ हैं उसके ऊपर प्लॉट करना, ताकि आपको पता चल जाए कि ग्रोथ कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं हो रही। बच्चे के इर्द गिर्द पानी किस मकदार में है, अगर पानी ज़्यादा है तो ये भी ये चीज़ ज़ाहिर करता है कि शायद शुगर का कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इसी तरह अगर पानी कम है तो इसका मतलब कि बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है। इसी तरह बच्चे की डॉपलर, एक कहते हैं कि आंवल से कितना खून बच्चे को जा रहा है, बच्चे की दिल की धड़कन को चेक करना, उसको CTG कहते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे की सेहत को जांचने के लिए हमल में थ्रू आउट इस्तेमाल होती हैं। ये बच्चे अक्सर हमल के आखिरी 2-3 हफ्तों में इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि कहीं खुदा ना खास्ता माँ के पेट के अंदर ही दिल की धड़कन बंद ना हो जाए। तो इन दिनों में ख़ास तौर पे अपने शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल रखिए, अपने डॉक्टर से मिलते रहिए और उसकी हिदायत पे अमल करें। जहाँ तक डिलीवरी का ताल्लुक है, आपका डॉक्टर आपके शुगर के लेवल को देखते हुए, बच्चे के साइज़ को देखते हुए, कोई और पेचीदगी है या नहीं, उस सब को सामने रख के फ़ैसला करेगा कि क्या आपकी
नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन से होगी और किस वक्त होगी। और जैसे ही ये बच्चा पैदा हो तो एक बच्चों के डॉक्टर को मौजूद होना चाहिए जो बच्चे को फौरन मुआयना करे और इन बच्चों को डिलीवरी के फौरन बाद शुगर कम होने की एक पेचीदगी हो सकती है तो जो बच्चों के डॉक्टर है वो उसको सामने रखते हुए अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चे को शुगर का आदर पीने के लिए या ड्रिप की सूरत में दी जाए ताकि उसकी शुगर ड्रॉप ना हो। इस तरह के बच्चे बाद में भी उनको केयर की ज़रूरत होती है, माँ को भी केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बात याद रखें कि जो ही डिलीवरी होती है तो आपकी इंसुलिन जो आपकी शुगर को कंट्रोल कर रही थी उसकी डोज एकदम कम करनी पड़ जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाए कि डिलीवरी के बाद पहले वाली डोज नहीं रहेगी, डोज कम हो जाएगी, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आपकी शुगर बहुत ड्रॉप कर जाए। इस चीज़ को सामने रखते हुए आपको 6 हफ्ते या 8 हफ्ते डिलीवरी के बाद दोबारा शुगर चेक होनी चाहिए। अगर जो शुगर डिसअपियर हो गई, ख़त्म हो गई, तो फिर ये एक ऐसी बीमारी थी जो सिर्फ हमल के दौरान हुई और फिर ख़त्म हो गई। अगर फिर भी शुगर हाई रहती है तो फिर आपको इसको फर्दर फॉलो करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको परमानेंट शुगर डेवलप हो रही है। आपको फैमिली प्लानिंग के लिए भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए ताकि बच्चों में प्रॉपर वक्फ़ा दिया जा सके और आपको सारा ये इंफॉर्मेशन और मालूमात आपके पास हों कि नेक्स्ट बेबी कब करना है, कितने बच्चे करने हैं, दरमियान में वक्फे के लिए क्या ज़रूरी है। सो ख्वातीन के लिए इन सब चीज़ों का मालूम होना, उनका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी शुगर का कोई इशू हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, हमल से पहले दिखाएं, हमल के दौरान दिखाएं, रेगुलर दिखाते रहें, जो ट्रीटमेंट आपको कही जाए वो इस्तेमाल करें ताकि आप और आपका बच्चा हमल के दौरान सेहतमंद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद फिर एक और वीडियो में लेके आऊँगा और उसके बारे में नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक पे, किस मौजू पे हम बात करने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़।